इंडियन टाइम्स डेली में आपका फिर से स्वागत है और भारत की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। अगर राजस्व की स्थिति सामान्य से बेहतर हो जाती है तो भविष्य में जीएसटी स्लैब के कम होने की संभावना है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार की हमेशा कोशिश रहेगी कि बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर टैक्स की दरें कम की जाएं। सीरीज के पांचवें और अंतिम वनडे मैच में रोहित शर्मा के शतक के बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। भारत ने ये सीरीज 4-1 से जीती है और भारत अब एक दिवसीय रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर चुका है, जिससे साउथ अफ्रीका दूसरे स्थान पर पहुंच गया, ऑस्ट्रेलिया का स्थान तीसरा है। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार ने मेट्रो लाइन्स के निर्माण की गति को तेज कर दिया है। पिछले हफ्ते एल्फिंस्टन रोड रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, जिसमें 23 लोग मारे गए थे। 8 प्रमुख मेट्रो लाइन्स द्वारा मुंबई शहर के दूर के उपनगरों को जोड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण टी राणे ने महाराष्ट्र स्वाभिमान पार्टी नाम की एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना की है, जो राज्य के संपूर्ण विकास के लिए काम करेगी। राणे पहले शिवसेना के साथ थे और फिर 12 साल तक कांग्रेस के साथ थे। चीन ने भारत के साथ एनुअल सेरेमोनियल बॉर्डर पर सोनल मीटिंग की मेजबानी से इनकार कर दिया है। आमतौर पर इस मीटिंग का आयोजन 1 अक्टूबर को किया जाता है। डोकलाम में दोनों देशों के बीच 73 दिन का मिलिट्री स्टैंड ऑफ खत्म होने के 4 हफ्ते बाद बीजिंग द्वारा ये कदम उठाया गया। राजस्थान के नेता सचिन पायलट ने कहा है कि दीपावली के बाद राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब समय आ गया है कि पार्टी के उपाध्यक्ष फ्रंट पर आकर नेतृत्व करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदनगर में नए शिरडी एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और मुंबई के लिए जाने वाली अलायंस एयर कमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। अब साई बाबा समाधि के वार्षिक शताब्दी समारोह की शुरुआत भी है, जिसके उपलक्ष्य में दुनिया भर से 1.1 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। सरकारी ऑयल कंपनियों ने सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत 1.5 रुपए प्रति सिलेंडर और जेट ईंधन की कीमत 6% बढ़ा दी है। एलपीजी पर सब्सिडी समाप्त करने के लिए हर महीने इसकी कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। इससे पहले 1 सितंबर को एलपीजी के दाम 7 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए थे। सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीति में आने के लिए तैयार अभिनेता और फिल्म निर्माता कमल हसन पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि राजनीति में सफल होने के लिए सिर्फ नाम, शोहरत और पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अभिनेत्री सलीना जेटली ने अपने दोबारा जुड़वा बच्चों को जन्म देने की खबर दी, लेकिन बड़े ही दुखी दिल से बताया कि दिल की बीमारी के कारण 2 बेटों में से 1 बेटे का निधन हो गया। सलीना और उनके पति पीटर के पहले भी विंस्टन और विराज नाम के 5 साल के जुड़वा बेटे हैं। हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों, हम अमेरिका की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।